कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? और हिमाचल में भी माँ बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है क्या? द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव का शोर है और भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से इतर होकर बेफिजूल की बातें कर रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए थे और हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार की कार्य योजना के बारे में जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मां बेटे की सियासत चली आ रही है तो हमारे युवाओं कैसे मौका मिलेगा, इस तरीके की बात कर रहे थे। और उसके बाद सुप्रिया सुनेत ने एक वीडियो जारी कर ऐसा घेरा है अमित शाह को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद अमित शाह 100 बार सोचेंगे कुछ बोलने से पहले। वो लगातार, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, वो मां बेटी मां बेटे मां बेटे ये सब चिल्लाते रहते हैं हमेशा हर चुनाव में। वो सोचते हैं कि इससे हम वोट ले जाएंगे, लेकिन जनता भी सोच रही कि 5 साल आप सरकार चला रहे, पहले अपने बारे में तो बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करिए कि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। इस बारे में नहीं बोलेंगे। मैं सुप्रिया सुनेत का वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ उससे पहले जरा अमित शाह जी को दिखा देता हूं कि अमित शाह जी देखिए, ये बौखलाहट ही अमित शाह जी की है कि अब वो मुख्य मुद्दों से भटक कर बेफिजूल की बातें जनता के सामने करें, जबकि जनता अब बहुत समझदार हो गई है और पोल इनकी खोली सुप्रिया सुनेत। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए, फिर सुप्रिया सुनेत का एक एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूं कैसे अमित शाह को बकायदे घेरा है, पूरी बीजेपी को घेरा है। पहले ये जरा अमित शाह जी का वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? और हिमाचल में भी माँ बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर माँ बेटों ने ही पार्टी चलानी है तो मेरे युवा साथियों, आपकी जगह कहाँ रहेगी क्या? अमित शाह जी को सुन लिया आपने, अमित शाह जी किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि युवाओं को मौका नहीं दिया। बताइए आपने कितना दिया, आपकी सरकार तो डबल इंजन की चल रही थी हिमाचल प्रदेश में, इस बात का जवाब नहीं देंगे। अब सुप्रिया सुनेत ने पोल खोल कर रख दिए, बता दिया है जो माँ बेटे माँ बेटी की बात करते रहते पूरी तरीके से उन्होंने सबके बाप बेटे गिना दिए एक एक करके, शुरुआत से लेकर अंत तक। अमित शाह के बेटे जय शाह से लेकर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय तक का नाम गिना दिया है। आप जरा सुन लीजिए कि कैसे पूरी बीजेपी को घेरा है सुप्रिया सुनेत। देखिए, जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, निलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंजू खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अरुण अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है हर राज्य में। तो वंशवाद और परिवारवाद का जो ये लोग आरोप लगाते रहते हैं, ये खुद ही उनमें घिरे हुए हैं। एक कहावत बहुत पुरानी है कि जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद ये भूल जाते हैं। खुद तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने यहां संविधान परिवर्तित किया जाता है, मैं बीसीसीआई में जो संस्था है उसका संविधान परिवर्तित करके कार्यकाल जय शाह का बढ़ा दिया जाता है, तो पूरा देश देख रहा है कि जय शाह के अंदर क्या काबिलियत है। जय शाह सिर्फ और सिर्फ गृहमंत्री साहब के बेटे यानी अमित शाह जी के बेटे हैं जो ये बोल रहे थे, इसके अलावा उनके अंदर कोई प्रतिभा और क्षमता नहीं है। एक बार उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ जो आपने देखा था, जिसमें वो इंग्लिश बोल रहे थे। अब चलिए, उसके बाद भी सुप्रिया सुनेत ने एक सवाल पूछ लिया है। कांग्रेस की सरकार 2 राज्यों में है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान, और दोनों के मुख्यमंत्रियों का नाम लेते हुए सुप्रिया सुनेत ने कहा कि बताइए इनके पिताजी का क्या नाम है, नहीं बता पाएंगे।
उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के पिता का नाम बताइए, आप बताइए अशोक गहलोत के पिता का नाम। ये दोनों नेता अपनी प्रतिभा और क्षमता की वजह से आज मुख्यमंत्री हैं एक एक प्रदेश के। इनके अंदर प्रतिभा क्षमता है, ये किसी के बढ़ावे से आगे नहीं बढ़े हैं, ये अपने आप से बढ़े हैं। जरा बताइए इसका जवाब है क्या? देखिए सुप्रिया सुनेत ने कैसे घेरा। राजी पहले इस बात का जवाब दें कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस की जमीनी राजनीति करी, NSUI की करी, यूथ कांग्रेस की करी, आज वो इस देश के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अमित शाह जी बहक जाते हैं, अमित शाह जी लोगों के पास अब मुद्दे नहीं रह गए। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि हमारी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है जिसके पिता एक मिल में मजदूरी करते थे, 11 बार चुनाव जीता, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन इनके पास बताने को है क्या कुछ? ये नहीं बता पाएंगे। ये बात भी बकायदे सुप्रिया सुनेत ने खड़ी की है कि बताइए आप तो संविधान परिवर्तित कर देते हैं अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर वंशवाद और परिवारवाद का। जरा पहले अपने गलेमान में झांक कर देखिए कि आपने क्या कुछ किया है। देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, 11 बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिताकर अध्यक्ष बनाया है। ये हमसे बात करेंगे किसका किसको लड़का होना चाहिए? जो डैडी डैडी मेरा खत्म हो जाएगा टेन्योर, तो BCCI का संविधान ही बदल दिया जाता है। अमित शाह जी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल गया एज BCCI सेक्रेटरी, उसका जवाब दें। एक संस्था का संविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहे और ये सवाल हमसे दागेंगे? वाह भाई, तो सुप्रिया सुनेत ने पोल खोल कर रख दी है। एक एक बातें बता दे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, एक एक नाम गिना दिए हैं। अब अमित शाह फिर से परिवारवाद को लेकर हमला बोलने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे कि परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरे कि ना घेरे। अगर घेरेंगे तो हम भी घेर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उस काम को, कैसे ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कैसे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश गए थे अमित शाह जी, तो हिमाचल प्रदेश के पिछले 5 साल के जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल को रखते और बताते देखिए हमने ये काम कर दिया। लेकिन नहीं, वो बात तो करनी ही नहीं है। पहली बात तो ये बताने के लिए कुछ है नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार युवा परेशान है और बेफिजूल में युवाओं का नाम लेके कि युवाओं को आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। किसने आगे बढ़ाया है? 2 करोड़ रोजगार कहां गए? ये जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का दावा किया था। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार लाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, लेकिन महंगाई की चरम सीमा कहां है ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और इसको लेकर सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सब का जवाब नहीं है। तो अमित शाह जी के लिए शायद कोई मुद्दा नहीं बचा है कि हिमाचल प्रदेश में वो बोल सके कि हमारी सरकार ने काम किया है। है तो डबल इंजन, कहने को तो दो दो इंजन गाड़ी में लगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक नहीं जा पा रही है, तो उन दोनों इंजनों का क्या मतलब है? बस डबल इंजन कह देने से विकास नहीं हो जाता है, सिर्फ डबल इंजन कह देने से जनता खुश नहीं हो जाती है, काम करके दिखाना पड़ता है, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसीलिए अब ये वंशवाद और परिवारवाद का नया सिगुफा लेकर आए हैं कि वंशवाद और परिवारवाद के बारे में हम जनता को बताएंगे, देखो कांग्रेस में कितना वंशवाद है, देखो कांग्रेस वाले कैसे काम करते हैं, या मां बेटे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, जबकि ये नहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और उस भारत जोड़ो यात्रा में कितने किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चल रहे, कैसे लोगों से मिल रहे, कैसे हाथ मिला रहे हैं लोगों से। क्या ये सब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वंशवाद कहां है ये बात सुप्रिया सुनेत ने बताने को उसके बकायदे ट्वीट भी किया इस वीडियो को शेयर करते हुए, लिखा कि सुना कल अमित शाह बड़े बाप के बेटे बेटियों को याद कर रहे थे, एक नजर इधर भी शाह साहब। उन्होंने कहा कि एक नजर इधर भी घुमाइए, देखिए कि किस तरीके की स्थितियां हैं, कैसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने बताने और समझाने की कोशिश की, जिसके बाद अमित शाह जी अब शायद कुछ बोल नहीं पाएंगे और अब वो दोबारा शायद वंशवाद पर प्रहार कांग्रेस पर नहीं करेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।